दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे का यवतमाल और लातूर में उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई और बैग को चेक किया गया। उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त विरोध किया, उनके समर्थकों ने इसको मुद्दा बना लिया। आपको बतला दें कि अभी तक के ये स्थितियां ये रही हैं, चुनावों में खास तौर से पैसा दिया जाता है, बांटा जाता है और शराब बांटी जाती है, जिसके बल पे चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। महाराष्ट्र में इस तरह की खबरें पहले भी आती थी और ख़ास तौर से महाराष्ट्र नहीं, तमाम राज्यों में तमाम लोगों के पास पैसा बरामद भी होता रहा। इसी के तहत ख़ास तौर से शिवसेना की इस समय की जो स्थिति है उसमें UBT शिवसेना पर ये बहुत चर्चा में था कि जम करके पैसा बांटा जा रहा है, ख़ास तौर से उद्धव गुट के द्वारा। ये पहली बार नहीं, ये तमाम इस तरह की खबरें रही हैं और ये तलाशी एक नियमित प्रक्रिया है, सभी नेताओं की होती है, किसी नेता ने भी विरोध नहीं किया। यही नहीं, शिंदे की भी तलाशी हुई, अमित शाह की भी हुई और नड्डा की भी हुई। उन लोगों ने बाकायदे अपनी तलाशी दी कि उन्होंने, और किसी ने विरोध नहीं किया। इन्होंने तलाशी का विरोध किया उद्धव ठाकरे ने। आपको बता दें कि तमाम चुनाव, तमाम राज्यों के चुनाव एकदम से पलट जाने की वजह ये रही कि उनमें वहाँ पे कैश पैसा, शराब व अन्य संसाधन बांटे गए। और इस पे चूंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पे खास तौर से MBA गठबंधन के लोगों का इस तरह का तमाम बातें सुनने को मिलती थी, तब ये तलाशी हुई और इन्होंने विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, दूसरा, चुनाव आयोग का एक काम है कि कहीं पर भी मतदाता पैसे से खरीदा ना जाए। ये चुनाव आयोग की ड्यूटी है। चुनाव आयोग अपना लोकतंत्र जिंदा रहे और मतदाता को लोग पैसे से ना खरीदें, इस पे चुनाव आयोग हमेशा कृत संकल्पित रहा है। और वो इस तरह से वो प्रक्रिया का पालन करता है ताकि मतदाता ईमानदारी से अपने हिसाब से अपनी इच्छा अनुसार मतदान करे, ये लोग पैसे से मतदान प्रभावित ना करें। अब देखिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या ट्वीट किया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा, बेशर्म चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा यह नियमित जाँच जारी है। बेशर्म कहा चुनाव आयोग, जबकि चुनाव आयोग पे इस तरह का कमेंट्स नहीं करना चाहिए। बेशर्म चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा नियमित जांच जारी है और चुनाव प्रचार में देरी करने की उनकी दैनीय रणनीति है। चुनाव प्रचार में आपको बता दें कि इनको तकलीफ हो रही, उद्धव ठाकरे को, और लोगों को तकलीफ किसी को नहीं हुई। तमाम बड़े नेताओं का हुआ, अमित शाह ने नहीं विरोध किया, नड्डा ने नहीं किया, शिंदे ने नहीं किया, फडणवीस ने नहीं किया, किसी ने नहीं विरोध किया। इनको तकलीफ हो रही, कह रहे हैं ताकि चुनाव प्रचार में देरी हो। आपको बतला दें, उद्धव ठाकरे पब्लिक के बीच में जाते नहीं थे, वैसे भी नहीं गए, अभी भी बहुत कम गए, चूँकि ये आराम तलबी के लीडर हैं, ये सिर्फ वहीं अपने घर पर बैठ करके राजनीति करते थे, ये खुद ही नहीं जाते। इनके पास इतना पर्याप्त समय है, ऐसा नहीं कि एक दिन में 10-10, 12-12 ये रैलियां कर लें। ये आरोप भी इनका बेबुनियाद है कि चुनाव प्रचार देरी करने पे दैनीय रणनीति, ये भी लिख रहे हैं, महाझूठा खत्म हो रही है, इसलिए एजेंसियों को काम पर लगा दिया गया है, आगे बढ़ो महाराष्ट्र की जनता अब तुम्हें सबक सिखाएगी। ये कह नहीं कि एजेंसियों को लगा दिया गया, आपको बतला दें उसका विरोध किसी ने नहीं किया, ये विरोध कर रहे हैं, चूँकि उद्धव ठाकरे अपने आप को इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा वो समझते, एक प्रकार से शहंशाह या बाहुबली समझना हो गया कि हिम्मत कैसे हो गई मेरी तलाशी की, मुझसे पूछने के, मेरे बैग छूने की हिम्मत। ये एक्चुअली में एक प्रकार से कहना नहीं चाहिए कि ये एक धांधागर्दी है कि जो उद्धव ठाकरे उस मिजाज में रह लेते थे और रहने के आदि हैं, तो इनसे ना पूछा जाए, इनकी तलाशी ना ली जाए, जबकि प्रधानमंत्री तक ने इन चीज़ों का विरोध नहीं किया। अब आप देखिए, वहीं आदित्य ठाकरे क्या कह रहे हैं अपने ट्वीट पे, जबकि संपूर्ण समझौता आयोग बेशर्मी से तलाशी लेकर उद्धव ठाकरे जी को उनकी सभाओं में देरी करने की कोशिश कर रहा, जबकि संपूर्ण समझौता आयोग बेशर्मी से
उसको आयोग को संपूर्ण समझौता आयोग बोल रहे हैं। देखिए कितनी चुनाव आयोग के लिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं बेशर्मी से तलाशी लेके, ये बेशर्मी हो गई। अगर आपके फादर की तलाशी हो गई तो ये बेशर्मी हो गई। तमाम लोगों ने, कभी किसी ने चीज़ बेशर्मी नहीं कहा, इन्होंने बेशर्मी, चूँकि इनको अपने आप पे घमंड है, इनका ईगो इतना ज़्यादा है कि अपने आगे किसी को समझते नहीं। इसी ईगो की वजह से शिवसेना से सारे लोग निकल गए, सिंबल चला गया, पार्टी चली गई, कार्यकर्ता चले गए, विधायक चले गए, सब कुछ आज कार्यकर्ता। और ये वास्तव में ये हार के डर से खिसियाए हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये महाराष्ट्र में सब जगह चर्चा है कि वो पैसा बांट करके उद्धव गुट अपनी थोड़ी बहुत प्रचार कर ले रहे हैं, मगर वोट तब भी नहीं जा रहा है, तब भी वोट उनको नहीं मिल रहा। ये पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है कि पैसे के बल पर वो सिर्फ अपनी चमक दिखा ले रहे हैं, मगर उनके साथ मतदाता नहीं। यही नहीं, उद्धव ठाकरे के सुपुत्र आदित्य ठाकरे का सवाल यह है कि भाजपा की लूट को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र आने वाले प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के इस तरह की तलाशी क्यों नहीं ली जाती, यह संस्था कितनी शर्मनाक है। जबकि ऑलरेडी अन्य मंत्रियों की तलाशी ली गई है, ऑलरेडी ली गई है, और कह रहे हैं संस्था कितनी शर्मनाक है चुनाव आयोग को कह रहे हैं। यही नहीं, आपको बता रहे हैं, ये कह रहे हैं लूट का, कि महाराष्ट्र के लोगों का लूट का, भाजपा की लूट को, जबकि भाजपा के किसी भी केंद्रीय मंत्री पे आज तक कोई आर्थिक आरोप नहीं लगा, कोई घपले का आरोप नहीं लगा। इनके सभी मंत्रियों में अधिकतर के आरोप लगे, स्वयं उद्धव ठाकरे पे लगे, आदित्य ठाकरे पे बहुत गंभीर आरोप हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं आदित्य ठाकरे पे। अब देखिए वहीं देवल कुलकर्णी ने अपने ट्वीट में, सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा है, शिवसेना यूबीटी प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे बैक्स फ्रिक्स्ड बाय पोल ऑफिशियल अगेन एट लातूर महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन। ये अब ये तलाशी हो गई, कोई विरोध नहीं कर रहा, ये क्यों विरोध कर रहे हैं? चूँकि ये अपने आप को बहुत ईगोइस्ट हैं, और वही एक वजह है कि इनका इनसे पूछ लेना तलाशी के लिए, यही मतलब इनको इतना बुरा लग गया। अब देखिए यही नहीं, तथ्य ने बाकायदे अपने उस पर दिया है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच की और उन्होंने उनके साथ सहयोग किया। चुनाव आयोग ने सीएम शिंदे के सूटकेस की जांच की, उन्होंने उनका साथ सहयोग किया। आप देखें प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, पूरा सहयोग किया, और सीएम शिंदे ने सूटकेस की जांच की तो उन्होंने उनका सहयोग किया। और ये जो है ये बिगड़ने लगे, इनका था है मैं मेरी तलाशी, मतलब ये आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के सबसे सुप्रीम लीडर हो गए। यही ईगो इनकी पार्टी को आज ये पोजीशन में हो गई कि आज ये खाक छान रहे हैं, ये कार्यकर्ता भी इनसे हट गया, सब कुछ ये लुटा चुके हैं सिर्फ इसी ईगो की वजह से। और देखिए यही नहीं, लेकिन जब चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच करने आया तो उन्होंने उन्हें परेशान किया। जब उद्धव ठाकरे की हेलीकॉप्टर की जांच की उन्होंने कोशिश की तो इनको बहुत बुरा लगा, इन्होंने उन लोगों को परेशान किया, जबकि और किसी ने कुछ नहीं बोला, मोदी की भी तलाशी होती, मोदी ने कुछ भी नहीं। यही नहीं, उनकी पहचान पूछी और उन्हें धमकाया, साथ में इन्होंने उनकी पहचान भी पूछी, अधिकारियों का नाम पूछा, बोले आप कहाँ से क्या हैं, आप कैसे तलाशी ले रहे हैं, जानते हो मैं उद्धव ठाकरे, और पहचान पूछी, जबकि पहचान नहीं पूछ सकते थे, और धमकाया भी उनको। ये है उद्धव ठाकरे की, ये बॉम्बे में कर लेते थे, पूरे महाराष्ट्र पूरे देश में ये अपनी ही अपनी तरह से चला रहे। यही नहीं, अंदाज़ा लगाइए उद्धव संविधान बचाने जा रहे हैं, जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं वो चुनाव आयोग को और संविधान के खिलाफ, ये कितना बड़ा वो है, इसका मतलब ये लोकतंत्र के पुजारी नहीं है, ये सिर्फ अपना जो है ये बाहुबली के बल पर आना चाहते हैं, अपने ईगो के बल पर। अब देखिए आज तक ने भी बाकायदे दिया है, आज तक ने अपने उस पर दिया है, नड्डा शाह के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी हुई, उद्धव के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि नड्डा शाह की भी तलाशी हुई, और उद्धव ने सिर्फ विरोध किया। अभी तक 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सत्ताधारी दल के
प्रमुख नेताओं के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये इलेक्शन कमीशन ने बाकायदे बताया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हेलीकॉप्टर की तलाशी 2024 के अप्रैल महीने पर हुई थी। 2024 को बिहार के भागलपुर जिले में और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई थी। 21 अप्रैल 2024 को बिहार के कटिहार जिले में हुई थी। बाकायदे इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि बिहार के कटिहार में अमित शाह की हुई थी और भागलपुर जिले में बाकायदे तलाशी हुई थी जेपी नड्डा की, तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तलाशी हुई थी। उन्होंने विरोध नहीं किया, इन्होंने विरोध किया और सब एक साथ बोलने लगे, इनके जितने लीडर हैं, जबकि भाजपा के किसी लीडर ने कोई भी कमेंट्स नहीं किया था। अब देखिए, सिर्फ ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो रुपए की शिफ्टिंग या अनुचित साधनों का प्रयोग करने के उस पे थे, इनको रोका ना जाए। अभी तक ये इस तरह से चुनाव को प्रभावित सिर्फ धन से कर लेते थे। ये मशहूर है कि शिवसेना UBT सिर्फ पैसे के बल पर वहाँ पर अपनी सिर्फ प्रचार कर पा रहे हैं, मतदाता इनसे काफ़ी दूर है। यही आपको बता दें कि अप्रैल 2019 को नरेंद्र मोदी की तलाशी हुई थी, बाकायदे PM थे और उनकी बाकायदे तलाशी हुई मोहम्मद मोहसिन नाम के एक IAS अधिकारी ने की थी, मगर मोदी ने कोई विरोध नहीं किया। यही नहीं, SPG की सुरक्षा के नियमों की भी अवहेलना करके जिस तरह IAS मोहम्मद मोहसिन ने तलाशी की थी, कर्नाटक कैडर के थे और ये मामला उड़ीसा का था, परंतु उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने बाकायदे तलाशी दी हट करके बिल्कुल, और एक एक बैग की सब चीज़ें तलाशी दी। ये नरेंद्र मोदी का अपना हुआ था 2019 का। यही नहीं, आपको बता रहे हैं मोहम्मद मोहसिन ने इसके बाद जो ट्वीट किया था वो बहुत चौंकाने वाला था। तब भी नरेंद्र मोदी जी ने, PM ने उनके लिए कुछ भी नहीं कहा, उनकी सर्विस का ध्यान रखा। स्पेशली उनके वो थे कि उनको कोई भी कुछ कहे ना। उन्होंने क्या दिया था देख लीजिए, उन्होंने एक शायरी लिखी थी मोहम्मद मोहसिन IAS ने, ये कौन शख्स है। आप देखिए कितनी बड़ी गलत बात कही थी, मगर मोदी ने इसको माइंड नहीं किया, किसी BJP ने आज तक इसमें कमेंट्स नहीं किया और उद्धव के लिए सब बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था देखिए, मोहम्मद मोहसिन IAS ने, ये कौन शख्स है इसको भ्रम में उलझा दो। कितनी बड़ी बात, एक प्रधानमंत्री, ये कौन शख्स है इसको भ्रम में उलझा दो, दो हुकूक मांग रहा है। ये कौन शख्स है इसको भ्रम में उलझा दो, हुकूक मांग रहा है, धर्म में उलझा दो। ये शब्द कहे थे मोहसिन, मोहम्मद मोहसिन। आज भी मोहम्मद मोहसिन अपनी सर्विस में सब उस पर बड़े अच्छे ढंग से, कहीं कोई भी एक PM ने, किसी BJP ने अभी तक कमेंट्स करने की हिम्मत नहीं हुई, चूँकि वह पार्टी का, भाजपा का अपना एक संस्कार है। और उद्धव ने क्या संस्कार दिया आप समझ सकते हैं। ये बात महाराष्ट्र की जनता कहती है कि बाल ठाकरे के संस्कारित लोगों में राज ठाकरे हैं, शिंदे जी हैं और तमाम नेता हैं, BJP के फडणवीस हैं, सब लोग संस्कारित हैं, जो बाल ठाकरे के चेले हैं, परंतु उद्धव ठाकरे संस्कारित नहीं है। यही एक वजह है कि इन्होंने जो मेहनत की थी ठाकरे जी ने, उस सपने को ही इन्होंने तोड़ दिया। और आपको ये भी बतला दें कि यही नहीं, तमाम ऐसी वो हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि लेवल फील्ड प्लेइंग फील्ड को SOP का पालन हो रहा है, जिसके तहत ये हो रहा है। उद्धव ठाकरे ने उसके जवाब में क्या कहा है, इंटरली कंप्रोमाइज्ड कमीशन। अब आप समझ लीजिए, अंदाज लगा सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को कंप्रोमाइज कमीशन कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इनके मंत्रियों की तलाशी नहीं क्यों नहीं हुई, जबकि मंत्रियों की भी हुई, प्रधानमंत्री की भी हुई 2024 में हुई। तो कुल मिलाकर के उद्धव का तर्क बिल्कुल गलत है और ये खुद अपने आप में गलत हैं। ये रुपए से प्रभावित करना चाहते थे, अब ये इनके लिए एक लेसन हो गया है कि जो शिवसेना UBT जो पैसे बांटने का इनके ऊपर वहाँ चर्चा थी, अब इनको संभल के चलना पड़ेगा।
और महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी कि अब पैसे के दम पर नहीं, अब राष्ट्रवाद के उस पे महाराष्ट्र में मतदाता मतदान करने जा रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।